बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने का दावा करने वाली नीतीश सरकार की पोल दिन पर दिन खुलती जा रही है। सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि प्रदेश में सब कुछ है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो इन दावों की परत खोल रही है। ऊपर से सिस्टम की लापरवाही से लोगों की जान भी जा रही है। आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप कहेंगे कि बिहार में बाहर नहीं बल्कि खोखले दावे हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे गंदे बेड पे मेरे हस्बैंड 6 फीट 2 इंच के सर पूरे गंदे पे वो सोए हुए थे सर। मैंने जबरदस्ती सबको बुलाया, एक आदमी था ज्योति कुमार करके जो ये बेवसी, ये अपनों को खोने का दर्द, इतनी लचर व्यवस्था में कैसे जिए कोई, क्या कहें, कैसे कहें, किन शब्दों में इस रोती महिला के दर्द को बयां करें, आज कोई शब्द बचा ही नहीं है। इस बेबसी को इस महिला के सिवा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कुव्यवस्था के कारण अपनों को खोया हो। इस महिला के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो महज एक पानगी है। इनके जैसी और भी न जाने कितने लोगों ने सिर्फ सिस्टम में फैली कुव्यवस्था और लापरवाही के कारण अपनों को खो दिया है। किसी को एम्बुलेंस नहीं मिला, कोई किसी तरह अस्पताल पहुंचा तो बेड नहीं मिला, अगर बेड मिला तो ऑक्सीजन की किल्लत और रही सही कसर लापरवाह डॉक्टर और नर्स ने पूरा कर दिया, जिसका नतीजा होता है कि जिंदगी से जंग लड़ने से पहले ही मरीज की मौत हो जाती है। इस रोती बिलखती महिला के दर्द की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कोई इंसान क्या करे जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। ये महिला अपने पति के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही, लेकिन कोरोना काल के गिद्ध ऐसे समय में भी बेहयाई और बेशर्मी से बाज नहीं आए। महिला के मुताबिक अस्पताल में मौजूद स्टाफ से जब उसने अपने पति के इलाज के लिए बोला तो वह मौजूद स्टाफ ने उस महिला के कपड़े नोचे, इज्जत पर हाथ डालने लगा। खुद महिला की जुबानी सुनिए क्या बीती थी उसके ऊपर। कुमार खींच रहा था, मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हैं। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था, मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली, मैं बाहर निकल के मैं धाम से बैठ गई। ये सच है कि इस वक्त डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस महामारी में डॉक्टर ही भगवान है और उन्हीं का सहारा है। लेकिन इस महामारी में भी कुछ बेशर्म डॉक्टर और स्टाफ ऐसे भी हैं जिन्होंने मानवता को ताक पर रखकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते महिला का पति इस जंग से हार गया और मौत के काल में समा गया। महिला अपने पति की जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने ना सुनी। अब इस महिला के पास सिर्फ और सिर्फ अपने पति की याद रह गई है। लेकिन इस निकम्मी सिस्टम को कोई कैसे बताए कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। खैर, बिहार में सुशासन का राज है और यहाँ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, ना बेड की कमी है ना ऑक्सीजन की, अस्पताल जाते ही आपको तुरंत एडमिट कर लिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो आपको तुरंत ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भी मिल जाएगा। सरकार के दावे अपनी जगह है, लेकिन हकीकत क्या है ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। अगर राजधानी पटना को छोड़ दें तो बिहार के किसी भी जिले में ना तो जरूरत के मुताबिक अस्पताल है, ना ही वेंटिलेटर और ना ही ऑक्सीजन की सुविधा। कई जिलों में अस्पताल के नाम पर तो इमारत बना दी गई है, लेकिन उसमें ना तो डॉक्टर हैं और ना ही अन्य सुविधाएं। पिछले 15 साल से सुशासन बाबू बिहार की कुर्सी पर काबिज हैं, दावा करते हैं कि बिहार में बहार है, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि बिहार में बहार है, जबकि जमीनी हकीकत तो सीएम साहब और स्वास्थ्य मंत्री के दावे से बिल्कुल उलट है। हालात ये हैं कि राजधानी पटना में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो जरा सोचिए कि दूर दराज के इलाकों की क्या हालत होगी। लेकिन ये जनता है, इसकी किसको पड़ी है। कमाल की बात तो ये है कि अपना तो सरकार की आलोचना कर सकते हैं और ना ही इनके खिलाफ बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, यही नियम है और यही कानून। वाहरी सरकार। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।